स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद मसीह मेहमद चैनल में। और आज आपके सामने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख चैनल पर जलड मरुमध्य, प्रमुख चैनल और जलड मरुमध्य। यहाँ से बहुत ही सारे प्रश्न आते हैं, समझ नहीं पाते बच्चे कौन सी चीज कहाँ है। विद मैपिंग आज हम समझेंगे और देखते हैं, आज समय ना वेस्ट करते हुए समझ लेते जल्दी से, क्योंकि भारत तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। आपको बता दोस्तों, दक्षिण पूर्व में जो सागर है उसको अरब सागर कहते हैं, और दक्षिण पश्चिम में जो सागर है उसको अरब सागर कहते हैं, और दक्षिण पूर्व में जो सागर है उसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और दक्षिण में जो महासागर है उसे हिंद महासागर के नाम से आपको जाना जाता है। आप सब जानते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब इन समुद्र के अंतर्गत भारत में दो द्वीप भी हैं जो अंडोबार निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडोबार निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप है, उसमें भी छोटे छोटे द्वीप हैं, उसके बारे में भी हम समझेंगे। उससे पहले हम भारत में, भारत के बिल्कुल तट पर का जो क्षेत्र है, जो श्रीलंका के आसपास के क्षेत्रों में लगता है, जो भारत की जो समुद्री सीमा है वो श्रीलंका से लगती है, जिसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारे सामने है भारत, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है। इसमें हम देखते हैं जैसे जैसे हम समुद्र की तरफ जाते हैं तो एक देश पड़ता है श्रीलंका। तो भारत के आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है, जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहले पड़ती है श्रीलंका और भारत के बीच जो दक्षिण में क्षेत्र पड़ता है समुद्र का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, यहां पर प्रवाल भित्तियां भी काफी मात्रा में, जो प्रवाल जीव है उनको काफी मात्रा में पाए जाते हैं। मन्नार की खाड़ी आप देख रहे हैं मानचित्र में यहां पड़ती है। भारत और श्रीलंका के दक्षिण का जो क्षेत्र समुद्र का पड़ता है उसमें मिलती है, जो कि तमिलनाडु से सीमा भारत की लगी हुई है। भारत की जो तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ता है वो लंका के क्षेत्र के आसपास ही पड़ता है। उसके बाद चलते हैं जो कि हम पाक, उसके बाद जो कि हम राम ने पुल बनाया था श्रीलंका जाते हुए रावण को मारने के लिए, उसके बारे में भी हम यहां समझ रहे हैं। इसे कहते हैं हम आदम ब्रिज, आदम ब्रिज जो कि रामेश्वरम के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता। रामेश्वरम से जब आगे हम जाते तो एक स्थान पड़ता धनुषकोटी, जो यहां पर है। धनुषकोटी मैंने लिखा नहीं है, यहां पर रामेश्वरम से आगे पड़ता है धनुषकोटी। धनुषकोटी पर ही एक द्वीप पड़ता, उसको बोलते हैं पम्मन द्वीप, जो कि रामेश्वरम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रामेश्वरम हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी जन्म स्थान उनका है, यहाँ पर उससे भी जाना जाता है। तो पम्मन द्वीप यहाँ पर आपको पड़ता है श्रीलंका और भारत के बीच में। उसके बाद आदम ब्रिज, इसको पूरे पूरे क्षेत्र को आदम ब्रिज या आदम का पुल भी कहते हैं, या सेतु समुद्रम परियोजना भी कहा जाता है, सेतु समुद्रम के नाम से भी जानते हैं, राम ने जो पुल बनाया था उसके नाम से भी जाना जाता। अब इसके आदम ब्रिज के ऊपर जो एक समुद्री जल पड़ता है उत्तर की ओर, जो समुद्री जल पड़ता है उसको पाक जलड मरुमध्य क्षेत्र कहा जाता, पाक जलड मरुमध्य क्षेत्र। तो आप दोस्तों यह याद रखें, ये ऊपर वाला जो जल है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर इसे कहते पाक जलड मरुमध्य क्षेत्र, यह पाक स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता। मन्नार की खाड़ी दक्षिण में पड़ती है, आने का ये श्रीलंका आपका दीप है, देश है। तो आप समझ जाओगे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, एक दिन पड़ता श्रीलंका का जाफना यहाँ पर, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 32 किलोमीटर का एक ही अंतर यहाँ पर पाया जाता है। इसी को लेकर विवाद भी है कि यहाँ को इसको गहरा कर दिया जाए, क्योंकि समुद्री जहाज यहाँ से होकर जाते पूरा पार करते हैं, और अगर जो इसको काटकर इस पुल को समाप्त कर दिया जाए तो क्या करा जाएगा, यहाँ पर इसको समुद्र को गहरा कर दिया जाए तो जहाज यहाँ से घूमते जाता था, यहाँ से जाएगा तो हजारों किलोमीटर का एरिया हमारा बच जाएगा जहाज जाने का। इस पर विवाद है, वो आगे चलते हैं देखते हैं, यहाँ हमने समझा। उसके बाद देखते हैं लक्षद्वीप एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो कि द्वीपों से बना हुआ है, ये भी प्रवाल द्वीप के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं इसमें भी कई सारे हमारे चैनल पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एक मालदीव देश, जो भारत का पड़ोसी समुद्री देश है जो कि लक्षद्वीप के आसपास है, ये इसके छोटे छोटे द्वीप बसे हुए मालदीव। मालदीव के बाद एक भारत का द्वीप पड़ता है जो लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं, मिनिकाय द्वीप। तो आपको दिख रहा है लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीप है, उसके बाद मिनिकाय द्वीप जो भारत के अंतर्गत आता है, लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है। इसके बीच
एक चैनल पड़ता, चैनल दो दो द्वीपों के बीच, दो द्वीपों के बीच छिछला समुद्री क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र चैनल के नाम से जाना जाता, एक संकीर्ण क्षेत्र, जल का संकीर्ण क्षेत्र चैनल के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको इसको चैनल कहते हैं। तो ये मालदीव और मिनिकाय के बीच एक 8 डिग्री चैनल पड़ता, तो प्रश्न पूछा जाता 8 डिग्री चैनल कहां पड़ता, मिनिकाय द्वीप और मालदीव के बीच पड़ता है। उसके बाद ऊपर चलते हैं हम, मिनिकाय द्वीप और लक्षद्वीप। मिनिकाय द्वीप जो भारत का एक बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकाय है। तो मिनिकाय से जब हम लक्षद्वीप की तरफ को जाते हैं तो यहाँ पर भी एक चैनल पड़ता जिसको हम 9 डिग्री चैनल कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता कि 9 डिग्री चैनल किसे कहा जाता, लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप, मिनिकाय द्वीप के बीच जो चैनल पड़ता है उसको 9 डिग्री चैनल कहा जाता। तो यह लक्षद्वीप के जो द्वीप है उसके बारे में आप समझ चुके। अब इसके बाद हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बहुत सारे द्वीपों में विभाजित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वह क्षेत्र है जो हिमालय पर्वत का समुद्र में गहरा स्थान है, जो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर से आते हुए म्यांमार होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए अंडमान निकोबार, ये हिमालय पर्वत के समुद्र में स्थित पहाड़ियां हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भूगर्भ विविधता बताते हैं उसके, वो ये बताते हैं कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत का हिस्सा है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर एक देश पड़ता है भारत, और भारत के पूर्व में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में म्यांमार। म्यांमार से हम शुरू करते हैं, म्यांमार के छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं, उनको बोलते हैं हम कोको द्वीप समूह। फिर उसके बाद भारत का जो है द्वीप शुरू हो जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है जो मैंने यहाँ पर बनाए उनको हम समझ लेते हैं। तो भारत का सबसे पहला म्यांमार के बाद एक चैनल पड़ता है जिसको कोको स्ट्रीट या कोको चैनल के नाम से जाना जाता। तो एग्जाम में पूछा जाता कोको चैनल कहां पर स्थित है, तो कोको चैनल म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीप के बीच स्थित है। तो कोको स्ट्रीट ये आपकी यहां पर आ गई, आप मानचित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद भारत का एक द्वीप आता उत्तरी अंडमान में, ये एक महत्वपूर्ण है, पहला सबसे उत्तरी जो द्वीप है भारत का वो अंडमान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत उत्तरी अंडमान में एक ज्वालामुखी है जिसको हम नारकोंडम ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता। ये भारत का एक, ये विश्व का एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्या होते हैं, मैं एक ज्वालामुखी का एक वीडियो बनाऊंगा उसमें हम समझेंगे। तो उसके बाद आता है मध्य अंडमान के पूर्व में एक ज्वालामुखी पड़ता है जिसको बैरन ज्वालामुखी कहा जाता है, जो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, जो बैरन के नाम से जाना जाता। किसके अंतर्गत आता, मध्य अंडमान के पूर्व में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद नीचे चलते हैं हम, फिर आता दक्षिणी अंडमान जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत, उसके अंतर्गत ही भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पूरी की एक राजधानी है जिसको पोर्ट ब्लेयर कहते हैं। पोर्ट ब्लेयर जो है आपके दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद दक्षिणी अंडमान, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है, अंडमान और निकोबार। तो अभी तक अंडमान के बारे में हम पढ़ चुके, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। उसके बाद हम चलते हैं, फिर आते निकोबार, कार निकोबार या निकोबार जो दूसरा हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप का। तो दोस्तों दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच जो चैनल पड़ता है उसको कहा जाता है डंकन पास। चैनल है वो डंकन पास उसको कहते हैं। और फिर लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच जो क्षेत्र पड़ता है उसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद कार निकोबार ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आता लिटिल निकोबार जो यहाँ पर स्थित है दक्षिण में। फिर उसके बाद आता ग्रेट निकोबार जो कि आप देख रहे हैं, जहां पर ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु, जो पिछले वीडियो में आपको बता चुका, जो जिसने देखा वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं भारत के वीडियो में। तो सबसे आखिर में पता है इंदिरा पॉइंट किसके अंतर्गत आता, ग्रेट निकोबार के। ग्रेट निकोबार के बीच ऊपर जो द्वीप पड़ता है उसको लिटिल निकोबार कहा जाता है। लिटिल निकोबार से ऊपर जब जाते हैं तो कार निकोबार आता है, और कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच जो क्षेत्र पड़ता है, जो चैनल पड़ता है उसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। और लघु अंडमान और
दक्षिणी अंडमान के बीच जो पास पड़ता है उसको डंकन पास कहा जाता है। तो ये पूरा वीडियो आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं जो आपके सामने था। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।